अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज माशाल्लाह से काफ़ी हवा चल रही है। ये आपको आज सबसे पहले अपने पौधे दिखाते हैं। ये नहीं जी, माशाल्लाह से कल दिखाई थी आपको कॉम्प्लेन, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये माशाल्लाह सारे पौधे हवा से लहा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ये माशाल्लाह से इसको भी, ये गंज पौधा था बिल्कुल टहनियाँ ही थी, रह गई थी सर्दियों की वजह से। ये भी माशाल्लाह इसके पत्ते आना स्टार्ट हो गए हैं। ये अनार का पौधा है। बाकी इंशाल्लाह अब हम अपने पौधे यहाँ से शिफ्ट करेंगे अपने सेटअप के पास। तो ये माशाल्लाह पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ना काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा था कि हमारे जो वहाँ सेट पे बिल्कुल साथ है ना, वहाँ पे कुछ दिन से ना वो आ रही थी लाली, पता नहीं सही से मुझे उसका नाम भी नहीं आता, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे लगाते हैं एक बॉक्स, तो इंशाल्लाह कल फिर वहाँ बॉक्स लगा देंगे ताकि वो भी ब्रीड कर सके और हमारे सेट पे नए पे भी आ सके। मतलब आपको दिखाता हूँ अगर उड़ ना जाए तो। ये माशाल्लाह से बैठी हुई हैं। ये ले जी, ये दोनों उड़ गई। तो इंशाल्लाह इधर हम कॉर्नर पे बॉक्स लगाएंगे तो ये भी इंशाल्लाह हमारे सेट पे ब्रीड करेंगी। बाकी हम बर्ड को दाना वगैरह डालते हैं तो बाकी अपडेट फिर देते हैं। माशाल्लाह से दाना हमने इनको डाल दिया। तो आज मौसम काफ़ी सर्द था, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने बच्चों को आज नहीं देखा, मैंने मुनासिब नहीं समझा था सर्दी ना लग जाए। तो बाकी अपडेट वगैरह बच्चों की हम आप कल देंगे। वैसे आज थोड़ा सा इनका ये माशाल्लाह देख लें। माशाल्लाह इधर आए हुए हैं। आज इनको डाली हुई है पालक और ये पालक खा रहे हैं। माशाल्लाह ये सभी आहिस्ता आहिस्ता से आ रहे हैं नीचे। ये माशाल्लाह से देखें, खुद दरवाज़ा खोलती है और भाग जाती है। अभी तो फिलहाल काफ़ी हवा चल रही है, साथ धूप भी है। तो मैं सोच रहा था कि अभी शापर जो है प्लास्टिक वो नहीं नीचे करते, लेकिन कभी आप मौसम देख सकते हैं, कभी धूप आ जाती है हल्की सी और कभी बादल आ जाते हैं। तो लिहाजा प्लास्टिक बैग नीचे करना ही पड़ेगा क्योंकि इनको सर्दी ना लग जाए। तो बाकी इंशाल्लाह हम ये हमारे बॉक्सेस कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं। सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट चिड़ियों का भी सीज़न, ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, उनके लिए भी लगाएं। और ये माशाल्लाह से जो इधर वो डेली आके बैठी होती है ना, सुबह जब मैं आता हूँ कॉर्नर में, वो लाली शायद उसे कहते हैं, तो उनके लिए भी इधर से कोई बॉक्स उठा के तो कल लगाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ये अपने पौधे भी अपने सेटअप के करीब लाते हैं। ये माशाल्लाह से बाकी आहिस्ता आहिस्ता खाना स्टार्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह गुलहरी भी आ गई है। आप भी ना अपनी छत पे थोड़ा सा दाना वगैरह डाल दिया करें, जैसे कि ये माशाल्लाह गुलहरी आई है, ये अब इधर खाएगी दाना वगैरह। इधर चिड़ियाँ भी आ जाती हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, तो इनको भी दाना डालना चाहिए, ये दुआएं देती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप भी दाना पानी वगैरह डाल दें। ये माशाल्लाह से चिड़ियाँ भी आ चुकी हैं। ये भी जैसे ही मैंने थोड़ा सा जाना है तो इन्होंने माशाल्लाह आगे खाना स्टार्ट कर देना है। तो प्लास्टिक वगैरह नीचे करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर के ये माशाल्लाह से कैसे गुलहरी आती हैं और चिड़ियाँ आके खाती हैं।
तो ये प्लास्टिक बैग नीचे करके फिर दिखाते हैं आपको। ये माशाल्लाह से अपना सेटअप फुल कवर कर दिया प्लास्टिक से, और ये माशाल्लाह से आ गई है हमारी चिड़ियाँ और गुलहरी। अब ये खाना खाएंगी। भाग ये डाढ़ इसलिए रही हैं कि वो प्लास्टिक ही लड़ी है ना, प्लास्टिक पेपर, तो इसलिए ये भाग रहे हैं। अभी आ जाएंगी, ये इधर आ गया गुलहरी, और ये स्पैरोज हमारी वहाँ पई हैं, ये भी खाना स्टार्ट कर देती हैं। ये आ गई माशाल्लाह से, ये गुलहरी भी आ रही है। तो दोस्तों इनको भी दाना पानी ज़रूर डालना चाहिए, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ज़ाहिर बात है, इन्होंने भी अपना पेट भरना होता है। तो आपको सब दोस्तों को चाहिए कि अपनी छत पे ज़रूर अभी दाना पानी रखा करें, अगर आप अपने बर्ड वगैरह रखे हैं तो भी, और नहीं रखे तो भी, क्योंकि इन्होंने भी अपना खाना दाना पानी कहीं से लेना ही होता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें आपकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और मज़ीद हम अपने सेटअप पे क्या क्या चीज़ें लाएं। तो हम आप अपने सेटअप पे बहुत सी तब्दीलियां करेंगे, इसके लिए मुझे चाहिए आपका साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।